दिया है कि 1 2 3 4 5 4 8 12 16 20। अब ये क्या है, ये सारे सीक्वेंसेस हैं। अब इसमें हम इसमें ये नहीं कह सकते कि अब ये एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। मीन क्या, अब सेकंड में देख सकते हैं कि 4 के बाद 8 आया, मीन 4 ऐड करने से 8 बन गया, 8 में 4 ऐड किए 12 बन गए, 12 में 4 ऐड किए 16, 16 में 4 ऐड किए 20 बन गए। अब सेम इसी तरह चलते रहेंगे और ये सारे सीक्वेंसेस हैं। फॉर्मल डेफिनेशन इसकी हम क्या करेंगे, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीजर एन नॉट। अच्छा, ये एन नॉट क्या है, जीरो भी इसको हम एन जीरो भी कह सकते हैं। एन जीरो से मुराद ये कि हमारे पास इसमें वैल्यूज होती हैं। अब वैल्यूज को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहली वैल्यू को एन ए है या एन है, जो भी हम उसको पुट करते हैं। तो ये नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं, वैल्यूज हैं। एन नॉट से मुराद फर्स्ट वैल्यू, जीरो वाली वैल्यू, एन वन फर्स्ट वैल्यू, एन टू सेकेंड वन वैल्यू। और यहाँ पर ये कह रहा है यूजली दिस सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पर एन से मुराद हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, जो कि जिसकी वैल्यूज जो है, फर्स्ट वैल्यू को एन नॉट नाम दे दिया उसने, सेकंड को एन वन दे देगा, और ये सब नेचुरल नंबर्स का सेट होगा। ये नेचुरल नंबर से पीछे नहीं जा रहा, और द सेट ऑफ द होल नंबर्स। अभी इसमें होल नंबर्स के सेट भी आ सकते हैं। अब इसको नोटेशन कैसे की जाती है, वो यूज अ नोटेशन ए एन। ए एन से मुराद, एन से हमारा पास वो इंटीजर होता है, वो नंबर होता है जिसने सीरीज चलानी है, जिसने सीरीज चलानी है। डिटरमाइन डिनोट द इमेज ऑफ द इंटीजर एन एंड कॉल इट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। उसको टर्म का नाम भी दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल में ये सीरीज में देख सकते हैं, ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री ए फोर अप टू सो ऑन ए एन तक जा रही है। अब ये ए एन क्या हमारी मैक्सिमम टर्म है, लास्ट टर्म है, ये एन नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएंगी। अब ए वन से मुराद हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ए टू सेकेंड होगी, ए थ्री थर्ड टर्म, ए फोर हमारा फोर्थ टर्म, अप टू सो ऑन ए एन तक, मतलब एन टर्म्स होंगी हमारे पास। रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सीक्वेंस डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर दिए हैं, जैसा ए वन जो है वो नेचुरल नंबर, टू थ्री फोर अप टू सो ऑन एन तक जा रही है, सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नो डाउट द सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द लिस्टिंग द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट। अब जो सबस्क्रिप्ट होते हैं, इनको सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, जो नीचे ए के साथ जो साइड पे छोटा सा वन लिखा है, ये टू थ्री फोर, इनको सबस्क्रिप्ट वेरिएबल्स भी कहा जाता है। सबस्क्रिप्ट एक सुपरस्क्रिप्ट होते हैं जो पावर में लिखे जाते हैं, एक सबस्क्रिप्ट होते हैं जो उसकी बेस में लिखे जाते हैं। तो इनको हम इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर हम चेक करते हैं एग्जाम्पल, कहते हैं फाइंडिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय द एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट फार्मूला। अगर आपको फार्मूला गिवन दिया हुआ है और आप कह रहे हैं कि इसमें से मुझे टर्म्स निकाल कर दें, तो आपने वो कैसे निकाल। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, कि यहाँ पर कहते हैं डिफाइन अ सीक्वेंस ए वन ए टू ए थ्री अप टू सो ऑन बाय द एक्सप्लिसिट फार्मूला। अब फार्मूला उसने क्या गिवन दिया हुआ है, ए के इज इक्वल टू के ओवर के प्लस वन फॉर ऑल इंटीजर्स के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। अब जो है वो के की वैल्यू जो है वो वन से स्टार्ट हो रही है, या वन से ग्रेटर है या वन से इक्वल है, वन इंक्लूड होगा कि नहीं इसमें। सब वन इंक्लूड होगा जी, होगा, क्योंकि हमारी जो एक तो बात ये है कि जो अगर हम जहां पर अगर इस फार्मूले में के जहां पर भी के है वहां पर हम वन वन पुट करते हैं, तो तभी तो हमारे पास ए वन निकलेगा, अदरवाइज हमारे पास ए वन निकलेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर तो इसलिए हमें यहाँ पर सबसे पहले, और यहाँ पर दूसरी चीज ये कि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी है, तो हमारे पास इक्वल टू की वैल्यू भी आएगी, मीन वन इंक्लूडेड है इसमें। जहां पर अब के था इस फार्मूले में, हमने क्या किया, वहां पर उस के की जगह पर वन पुट कर दिया, वन ओवर वन प्लस वन क्या हो जाएगा, वन ओवर टू, ये फर्स्ट टर्म निकल रही ए वन। ए टू आगे, अब के की जगह टू पुट करेंगे, टू ओवर टू प्लस वन, जो उसमें फार्मूले में गिवन है, हमने जस्ट उस फार्मूले में जहां जहां के है वहां वहां के की वैल्यू पुट कर दी। सेम इसी तरह ए थ्री भी और ए फोर भी। अब वो जितनी आपको टर्म्स कहेगा आपने निकाल दी। अब ये तो क्योंकि अब सो ऑन है,
तो आपने जस्ट 3 to 4 वैल्यूज आपने निकाल कर यहाँ पर छोड़ देना है, क्योंकि उसने यही कहा है कि भाई आप 3 से 4 वैल्यूज थोड़ी सी दिखा दें कि उसमें आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि हमारे पास क्या सीक्वेंस चल रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A1 जो है वो 1/2 आया, A2 जो है 2/3 आया, मतलब जो ऊपर वाला न्यूमिरेटर है वो भी एक एक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है और नीचे वाला नंबर भी एक एक इंक्रीज करता जा रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो सीक्वेंस है वो हमारा कैसे चल रहा है। हमारा उसके मुताबिक आप आपको कह दें कि मुझे nth टर्म भी लिख दें तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, 100 टर्म्स लिख दें तो आप वो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, जस्ट आपने सीक्वेंसेस में और समेशन में सीरीज में आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने जस्ट देखना होता है कि हमारी जो पिछली सीक्वेंस आ रही है वो कैसे आ रही है। ये हमारे जो PBSC के क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ये पूछा जाते हैं अक्सर, ये क्वेश्चंस हमारे एनालिटिकल क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसमें हमारे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें उसने कहा हुआ है BJ = 1 + 2J फॉर ऑल इंटीजर्स J > 0। अब यहाँ पर उसने क्या किया, जे जे ले लिया, उसने ऊपर वाले में आई लिया था, इसमें उसने जे हमने पॉइंट आउट कर दिया, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जे को इक्वल टू जीरो रखना है। अब इसमें बी नॉट फर्स्ट वैल्यू है, हमारे पास बी नॉट क्या आ जाएगी, 1 + 2 की पावर 0 हो जाएगी, और 2 की किसी भी वेरिएबल की पावर जो है 0 हो या कॉन्स्टेंट की पावर 0 हो तो वो क्या आती है हमारे पास, वो 1 आती है जी, 1 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 इसलिए 1 आया, 1 + 1 हो गया 2। सेम इसी तरह अब आपने इसको हर फॉर्मूल में पुट करते जाना और हमारी वैल्यूज निकलती जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास जितनी एक्सरसाइजेज हैं ये आप खुद चेक कर लेंगे, ये भी आप लोग खुद चेक करेंगे। इसके अलावा लास्ट में भी उसने यही दिया हुआ है, उसने फार्मूले दिए हुए हैं, उसमें कह के हमारे पास सीक्वेंस फाइंड करके दिखाया गया इसमें क्या आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आती है। अब यहाँ पर कहते क्या, पहले तो उसने फार्मूला गिवन दिया हुआ था, अब ये मैं एग्जांपल करवाने लगा हूँ आपको। पहले उसने फार्मूला गिवन दिया हुआ था और उसने कहा था कि मुझे टर्म्स फाइंड आउट करके दिखाएं। अब यहाँ पर काम थोड़ा सा उल्टा होने लगा है, कह रहा है कि फाइंड एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द सीक्वेंस। अब आपको सीक्वेंस गिवन है और आप वो कह रहे हैं कि मुझे एक्सप्लिसिट फार्मूला बताएं कि हमारे पास ये एक सीक्वेंस चल रही है तो हम इसका ये फार्मूला क्या होगा। जैसे ये हमारे पास पहली सीक्वेंस है, इसमें क्या देख सकते हैं कि आप के 0 है सबसे पहला नंबर, उसके बाद 1 आया, उसके बाद माइनस में वैल्यू है, उसमें फिर प्लस की वैल्यू आई 3, फिर माइनस की वैल्यू आई -4, फिर प्लस की 5, फिर आगे जो होगी नेक्स्ट जो है वो -6, फिर 7, फिर -8, मतलब जो हमारे नंबर्स हैं वो अल्टरनेटिंग चल रहे हैं और एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 0 तो एक होल नंबर है ही, अब उसमें क्या करना है आपने, अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम 1 है तो 1 में अगर 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, और उसमें ऊपर उसकी पावर में एक नंबर ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा और वो माइनस का आएगा। ये रिलेशन उसने निकाला है, ये देखते हैं कि पुट करके कि क्या हमारा वाकई बात ठीक आ रही है या नहीं आ रही। क्योंकि देखिए ना कि अगर हम 1 था तो 1 में हमने क्या किया, 1 में एक तो एक नंबर ऐड किया और दूसरा उस 1 को माइनस से भी मल्टीप्लाई किया, तो हमने इसीलिए हमारे पास, इसी तरह अगर हम -2 की तरफ मूव ऑन करेंगे तो -2 को -2 में भी एक नंबर ऐड किया और उस -2 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया। सेम इसी तरह अगर 3 को 3 में एक नंबर ऐड करेंगे तो फिर 4 आएगा और 3 को फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, ऑब्वियसली -1 एक में आगे प्लस हो जाएगा और फिर अगले में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये चलता रहेगा, ये सीक्वेंस है हमारा। ठीक है, तो उसके लिए उसने एक रिलेशन तैयार किया कि उसने कहा कि आप -1 लें और n+1 उसकी पावर में चलिए, मतलब उसकी जो पावर है उसमें एक ऐड होता जाएगा, सबसे पहले 0 आएगा, 0+1 -1 की पावर 1 -1 आ जाएगी। फिर इसी तरह आगे गए, उसने कहा कि जी n की जगह 1 पुट करके देखें, 1+1 2, -1 की पावर 2 जो होगी 1 आ जाएगी।
और जीरो। अच्छा अब आपके क्वेश्चन में ये आ रहा होगा कि माइनस वन की पावर जो है वो वन, वो तो वन हो गई, तो जीरो के साथ माइनस क्यों नहीं आया? तो जीरो के साथ माइनस लगा दें या प्लस लगा दें, हमारे पास जीरो जो होता है वो एक न्यूट्रल नंबर होता है, जीरो प्लस में माइनस में कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए, तो इसलिए हमने जीरो को नहीं छेड़ा कि जीरो तो वही है जो रहना है, जीरो के साथ कोई भी आपको साइन का कोई इशू नहीं आएगा। जो आपके इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो एन वन से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब उसकी एन की पावर वन होगी, फिर एन की पावर टू, जब एन की जगह हमने टू पुट किया तो आ जाएगा माइनस वन, एन की जगह टू पुट करेंगे टू प्लस वन, एन की माइनस वन की पावर थ्री, माइनस वन की पावर थ्री क्या होती है? माइनस वन होती है। तो मैं चले मैं ही बता देता हूँ, अगर नहीं किसी को समझ आ रही तो मुझे बता दे काइंडली, ताकि मैं उसको और एक्सप्लोरिंग वे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। सर नहीं समझ आई, आपने क्या करवाया है? तो ये बात हुई ना, मैं कब से पूछ रहा हूँ, अभी आप लोगों ने कह देना था जी समझ आ गई है, ओके है। ये देखें, ये जरा एग्जाम्पल निचले वाली देखें, इसमें आपको जरा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये मुझे बता सकते हैं ये सीक्वेंस कैसे आएगा अगला? सही है वही आपने जो अभी बताया ना कि वन ऐड करेंगे फिर हम उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत ऊपर वाला है ना, ये सेकंड वाली की मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें देखना वन माइनस वन ओवर टू है फर्स्ट टर्म, फिर वन ओवर टू माइनस वन ओवर थ्री, फिर वन ओवर थ्री माइनस वन ओवर फोर, फिर वन ओवर फोर माइनस वन ओवर फाइव, इससे अगली टर्म क्या होगी? ये कैसे पता चला आपको? बस सीरीज देख के पता चला है। जी ये इसी सीरीज को ही हमने फार्मूला बनाना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसी सीरीज का ही हमने एक फार्मूला बना दिया कि जो आप अब इसी का ही देखिएगा जरा नीचे, अब ये समझ आएगी ना आपको, अब आपको जब खुद समझ आएगी अब ये देखिए, क्या वो यही नहीं कह रहा कि हम पिछली ये एक फॉर एग्जाम्पल वन ओवर वन माइनस वन ओवर टू था, स्टार्टिंग में हमारे पास वन ओवर वन माइनस वन ओवर टू था, वन ओवर वन को वन लिख सकते हैं आप? यस सर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वन ओवर वन माइनस वन ओवर टू लिखता तब कोई इशू आया था? नहीं सर, तब भी लिखा जा सकता है। सेम इसी तरह वन ओवर टू माइनस वन ओवर थ्री, अब इसमें वन ओवर टू एक फर्स्ट टर्म है और जो अगली टर्म आई है वो पिछले में एक ऐड करके आई है कि नहीं आई डिनोमिनेटर में? यस सर, टू में प्लस वन किया तो फिर आगे थ्री आ गई। जी आई है, जी आ गई। अब सेम अब इस सीरीज का फार्मूला बताया उसने कि जी हमारे पास एक सीरीज है बी बी के, उसने नाम दे दिया के, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये अब के दे दें एन दे दें आपको कोई इशू नहीं है इसमें। अब ये एन जो है ये नंबर ऑफ सीरीज जाती है, ये कहाँ तक जा रही है? वन ओवर के, वन ओवर के से मुराद आपकी फर्स्ट टर्म है माइनस वन ओवर के प्लस वन, मतलब पिछली टर्म अगर यहाँ पे वन ओवर टू माइनस वन ओवर थ्री होता है तो हमें देख रहे हैं कि सीक्वेंस में हमारी जो है ऊपर वाली सीक्वेंस में पिछली टर्म है माइनस उसमें अगली टर्म में डिनोमिनेटर में एक ऐड हो गया आ रहा है, बस उसका जो फार्मूला था ना हमारी जो सीक्वेंस का उसमें हमने जस्ट उसको वेरिएबल की सूरत में लिख दिया कि जी हमारे पास जो सीरीज है वो इस तरह चल रही है। अगर आप ये फार्मूला दिया हो तो आप इससे सीक्वेंस भी बना सकते हैं, तो आप इस फार्मूले को देख के आप के की जगह पे वन पुट करते हैं, वन ओवर वन मतलब वन ओवर के की जगह पे वन पुट करो तो वन ओवर वन माइनस वन ओवर के प्लस वन है तो वन प्लस वन टू हो जाएगी, मतलब वन ओवर वन माइनस वन ओवर टू, तो दोबारा हमारे पास जो ऊपर वाली सीक्वेंस है ना ये हमारे पास थ्री ड्रॉ हो जाएगी। अगर अभी भी नहीं समझ आई तो फिर मैं आपको खुद करके बता देता हूँ। सर ये फार्मूला हमने हर दफा सीरीज को देख के बनाना है? ऊपर वाले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना उसमें ये था कि आपको फार्मूला गिवन था और सीरीज आपने बनानी थी, वो ज्यादा आसान होती है बनिस्बतन इसके।
जी ठीक है, लग गई समझ। अगर नहीं आई ओपनली, मैं फिर कह रहा हूँ अगर नहीं आई तो मैं आपको खुद हाथ से करके बता देता हूँ। नहीं सर, पेपर मोस्टली ऐसे ही होता है कि फॉर्म लाते हैं, हमने सीरीज करनी होती है। जी हाँ जी, वो हम अब मैं अगर आपको सच्ची बात कहूँ तो हमारे पास जो इसमें मसला भी कोई नहीं है, जो हमारी एथमेटिक सीक्वेंस है आगे ये हमारी आती होती है रिकर्जन के ज्यादा। हम मैंने जो अभी तक आपके पास देखे हैं ना उसमें रिकर्जन आए हुए हैं, इसलिए जस्ट आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया देना था। तो इसमें ये आप देख लें थोड़ा, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ये थोड़ा सा देख लें। इसके बाद जो है वो हमारे रह जाएंगे रिकर्जन, उसके आपके जो पास्ट पेपर के एक दो क्वेश्चंस भी हैं वो भी करवा दूंगा, और कल इंशाल्लाह वो मैट्रिक्स के भी साथ कोशिश करूंगा मैं वो भी कंप्लीट हो जाए, और ये वीक में आपका ये काम फिनिश हो जाए, या आपके जितने भी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी हैं वो भी साथ क्लियर हो जाएंगे। अब ये जरा हमारे ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये जरा समझिएगा, ये ऊपर वाला अगर नहीं ना समझ आ रही कि हमारी ये फार्मूला ये क्रिएट कैसे हो रहा है तो ये बेशक स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये जरा थोड़ा सा समझ लेंगे ये कैसे आना है। हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो कैसे आती है, अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म कहते हैं पिछली टर्म को, बाय एडिंग अ कांस्टेंट नंबर। एक कांस्टेंट नंबर ऐड करने से हमारे पास अगली टर्म आ रही होती है, तो हम हमारा माइंड फॉरन कैलकुलेशन कर लेता है कि जी हमारे पास जो है वो पिछली टर्म से अगली टर्म कैसे बन रही है। तो वो असल में यही चीज हमारे पास ये काउंट करना हमारे पास ये फन होता है, और यही एक हमारे पास ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक है। ये समझ आ गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इस कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, और इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। द कांस्टेंट नंबर बीइंग अ डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स जो एक जैसी टर्म्स होती है, मतलब एक जैसी समराद के, ये नहीं कि वन और टू है तो ये कंसेक्यूटिव है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऐसी टर्म्स जो दोनों इकट्ठी पड़ी हुई हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल दो बच्चों के रोल नंबर आ गए करीब करीब, एक का रोल नंबर है 11 और दूसरे का है 27, तो इट मीन्स कि अगर दोनों साथ साथ बैठे हैं तो इट मीन्स कि, या 28 है तो इट मीन्स कि दोनों साथ साथ बैठे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि जस्ट हमारे पास के वन है और टू है तो यही हमारे पास कंसेक्टिव होंगे, कोई भी हो सकते हैं। अब यहां पर उसने कहा अब इन दोनों के दरमियान एक कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब कि अब यहां पर ये एग्जाम्पल देखिएगा हर चीज, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। अब यहां पर उसने सीक्वेंस दिया हुआ है 5, 9, 13 और 17। अब आप बता सकते हैं कि 5 के बाद 9 कैसे आ रहा है? 4 ऐड करने से, 4 ऐड करने से 9 के बाद 13 कैसे आ रहा है? 4 ऐड करते जा रहे हैं आगे तो फिर आ रहा है। 4 ऐड करते जा रहे हैं, बिल्कुल जी 4 ऐड करते जा रहे हैं। सेम इसी तरह इसमें भी देखेंगे कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड कर रहे हैं -5 को। ठीक है, इसी तरह उसमें में भी आगे ऐड कर रहे हैं -5, -5, -5, हर एक में -5, -5 ऐड करते सर, जा रहे हैं। लेकिन ये तो कॉमन डिफरेंस ऐसे भी निकलता है ना कि सेकंड नंबर में से हम फर्स्ट वाला माइनस करते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस होता है। जी वो भी निकालने में आपको भी वही फार्मूला बताने लगा हूँ कि अगर आपने अगर एन टर्म्स हैं तो आपने ये फार्मूला है तो आप इसके जरिए भी आप निकाल सकते हैं। वो तो जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ, तो अगर तो आपको पढ़ लिया तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी अगर सारे बच्चे रीडिंग कर लें तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा आगे जाना। नहीं सर, ये थोड़ा सा हमें पता था जरा इसलिए बता दिया। कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, स्टूडेंट और टीचर दो जब डबल मेहनत हो जाती है फिर इंसान को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। ओके, अब यहाँ पर अगर आपके पास एन टर्म्स दी हुई है तो आपने कैसे निकालनी है, तो आप जस्ट इसको लंबे चौड़े काम में नहीं जाना, हमने तो हमने जस्ट आपको एक फार्मूला दिया हुआ है कि इसमें आप जो है एडजस्टमेंट कर दें। एन से मुराद वो हमारा नंबर है टर्म्स का कि जो हमने ऐड करते जाना है, मतलब एन से मुराद इंटीजर्स हैं जो हमने चलाने हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और डी से मुराद हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी से हमेशा डिनोट होता है। ज्योमेट्रिक में कैसे होता है वो मैं आपको आगे चलेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे मूव ऑन करते हैं।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, उसने कहा फाइंड द 20th टर्म ऑफ रिथमेटिक सीक्वेंस, रिथमेटिक सीक्वेंस दी हुई है, एक सीक्वेंस दी है। अब इसमें कह रहा है कि मुझे एग्जाम्पल 20th टर्म फाइंड करके दिखाएं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ए से मुराद, अब फार्मूला देखिएगा दोबारा, ए से मुराद आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म। अब यहाँ पर सोल्यूशन इसका देखें, ए से मुराद आपकी फर्स्ट टर्म है, तो इस सीक्वेंस में आपकी फर्स्ट टर्म कौन सी है? 3 है फर्स्ट टर्म, 3 है। अब आपके वाली एक बच्ची ने जो अभी बताया कि कॉमन डिफरेंस सर कि हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट में से प्रीवियस वैल्यू जो है वो भी माइनस करके हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो हम जी जी हम वही बता रहा हूँ कि जी निकल सकता है, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हमने क्या किया, 9 - 3 किया, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया, और विच इज इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी के बराबर होता है। उसके बाद एन, अब क्योंकि फार्मूले में हमारी हर चीज पूरी होनी चाहिए, तो डी भी मुझे पता चल गई, ए भी पता चल गया, एन रह गया। एन से मुराद क्या है, जो वो वैल्यू जो आप फाइंड करना चाह रहे हो, ठीक है ना। अब एन से मैंने पहले बताया था इंटीजर्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो काउंटिंग आपने चलानी है, 1, 2, 3, 4, मतलब फर्स्ट टर्म के लिए 1, 2, सेकेंड के लिए, अब ये चलती जाएगी। अब यहाँ पर एन से मुराद है 20th टर्म, तो 20th टर्म के लिए मुझे एन की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 20 पुट करना पड़ेगा। तो जब जनाब यहाँ पर आप पुट करते हैं वैल्यू, फार्मूला लगाया, फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, और ये हमारे पास जो है वो एक जो 20th टर्म है वो हमारे पास निकल आई 170। जी यहाँ पे कोई इशू किसी को तो पूछ सकता है। नो सर, क्लियर है जी बाकियों को? काइंडली बाकी भी थोड़ा सा मुझे बता दिया करें ताकि मैं फौरन मूव ऑन करूं आगे, पहले क्लास आ जाए, आप लोगों ने बहुत लेट कर दी है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई, और आप लोगों ने मुझे पिछली असाइनमेंट भी किसी ने जमा नहीं करवाई है ना, आपने मुझे दिखाई है कि सर ये देखें हमारे क्वेश्चन ठीक हैं या नहीं, तो फिर इस चीज़ को फिर करने का ऐसे मज़ा नहीं आता कि हम लोग मेहनत करवाएं और आप लोग उसको कर रहे होंगे, लेकिन उसको काइंडली ज़रा मुझे शो भी करवा दें ताकि मुझे खुशी होगी कि कुछ बच्चों ने मुझे करके दिखाया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड आती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में इसमें क्या चीज़ होगी, सेम वही चीज़ है, अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म के बाद जो है वो जो दूसरी हर टर्म है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ कांस्टेंट नंबर। जी अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि सर अरिथमेटिक में और जो ज्योमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। ज्योमेट्रिक में और अरिथमेटिक में एक डिफरेंस तो आपको यहीं पर नजर आ गया, वो क्या है वो आपने बताना है। मल्टीप्लाइंग विद द कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। द कांस्टेंट नंबर, अब वो कांस्टेंट नंबर मैंने उसमें बताया था कि वहां पर हम कॉमन डिफरेंस था, उस कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते थे। यहाँ पर क्या करना है, बीइंग अ रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, इसको आर से डिनोट किया जाता है। जी ये आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं आपके, यहाँ पर उसने कहा था कि इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में क्या होता है कि एक खास नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास सीक्वेंस आती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 1 के बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 4, 2, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 8, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 16 आ गया। तो सेम हमारे पास पता क्या चल गया कि हमारे पास जो कॉमन रेशियो है आर जो है वो कितना निकल आया, कितना निकला है, 2 निकला सर जी, 2 निकला है। काइंडली मुझे बताते रहा करें ना ताकि मुझे याद रहे। ओके, जनरल टर्म, अब इसकी जनरल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की, अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आ रही है तो हमने अगर इसकी फार्मूला जो है अगर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे होगा, ये आगे जनाब फार्मूला आपके पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि ई एन इज इक्वल टू ई एन, एन से मुराद हमारे पास अगर एथ टर्म फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, ए आर एन माइनस 1 जो है हमारे पास फार्मूला है। अच्छा ये दोबारा वापस आइएगा, अगर आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूँ ना,
अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो a इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, जो असल फार्मूला है। तो अगर फर्स्ट टर्म है तो n की जगह 1 आ गया, अगर सेकंड टर्म है तो 2 आ जाएगा, अगर थर्ड टर्म है तो 3 आ जाएगा, अगर सो ऑन है, nth टर्म है तो वो ए आर एन माइनस वन चला जाएगा। सेम इसी तरह अगर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी गई है, फकत फाइंड द 8th टर्म ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी गई है, फिर आपने यहाँ पर क्या करना है। अब बाहर तो मुझे नजर आ रहा है कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 3 दैट 12 आया, फिर 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 को फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 108। अब ये सीक्वेंस चल रही है, लेकिन अगर मुझे कह दे अब मैं इसे फर्स्ट 2 3 4 तो वैल्यूज निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर सॉरी अगर मुझे यहाँ पर कह दे कि अगर मुझे 55 टर्म निकालनी है 55th वाली, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं बैठा रहूँगा या मुझे सबसे पहले वो चेक करना पड़ेगा कि 2 वाली क्या है, 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन 50 तक पहले मैं चेक करूँ, फिर 55 तक जाऊँ, फिर मैं बताऊँगा जी मेरे पास 55 वाली टर्म है। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। सो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला उसने इसलिए आसानी के लिए गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले क्या चेक करना है, ए से मुराद वही फर्स्ट टर्म, आर से मुराद यहाँ पे कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकलेगी, उसमें हमने फाइनल अगली प्रीसीडिंग टर्म में से जो प्रीवियस टर्म थी हमने उसमें जो है वो माइनस करते थे। यहाँ पर रेशो है तो रेशो हमेशा जो होती है डिवाइड को कहा जाता है, और रेशो जो होती है हमेशा डिवीजन से जो है आपको मिलती है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करना है, और जो है डिवाइड करने से मेरे पास जो है वो कॉमन रेशो कितनी निकल आई, 3 निकल आई। एन से मुराद अगेन हमारे पास वही नंबर है, इंटीजर्स नंबर है, तो यहाँ पर हमने उसने क्योंकि कहा था कि 8th टर्म फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो एन जो है वो 8 हो गया, तो हमारे पास जो इसमें वैल्यूज, अब एक ही जगह वही वैल्यूज हमने पुट की और एन माइनस वन जो है वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू निकल आएगी। जी यहाँ तक कोई भी इशू आया तो भी बताएं। क्लियर हो गया सर। ठीक है ओके, आगे नेक्स्ट एग्जांपल में उसने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दी हुई है, जो वन ऑफ रेडियस ऑफ द फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, उसने कॉमन रेशियो भी दी हुई है, जस्ट फार्मूला पुट करना है और आपने उसको वैल्यू पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है, ये बाकी कीजिएगा तो मैं आपको फिर इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या है। अच्छा, इसमें सीरीज का टॉपिक थोड़ा सा देख लें, टाइम आई थिंक पता नहीं कितना रह गया, 5 मिनट्स ही आई थिंक रह गए, उसके बाद ये थोड़ा सा सीरीज में देख लें, कितने रह गए, लेस देन वन मिनट ओके। सीरीज वाला वैसे टॉपिक देख लीजिएगा आप, फिर अगर खुद अगर कहते हैं तो शाम को फिर एक सीरीज रख लेंगे एक थोड़ा सा। अच्छा, सीरीज में ये होता है कि सीरीज में हमने सारे नंबर्स को ऐड करना होता है, और इसको नोट किया जाता है सिग्मा से। ठीक है, ये आपको जो ई नजर दिखाई दे रहा है ना, ये इसको सिग्मा कहते हैं, और सिग्मा में हमारे पास क्या होता है, नीचे लिखा हुआ है के इज इक्वल टू 1 to infinity। अब जो सीरीज में होता है सारी टर्म्स ऐड होती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और आगे ए के से मुराद हमारे पास वो नंबर होता है। तो ये उसने सिंपल कंप्यूटिंग सम्यूटेशंस की वैल्यूज दी हुई हैं, और जितनी टर्म्स